नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू बैल आज आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक जो आपका चल रहा है बच्चों, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आप जानते हैं लोकसभा के सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। यह हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आगे देखिए बच्चों कि लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, कौन सा सदन कहते हैं बच्चों? निम्न सदन। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, उसकी अगर हम सत्रों की बात करें बच्चों, तो सत्र जो है तीन सत्र होते हैं बच्चों और एक सत्र के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही 3 सत्रों की बात हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि 3 सत्रों का आयोजन होता है। पहला है आपका बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है आपका बच्चों शीतकालीन सत्र। बजट सत्र की बात करें तो फरवरी से लेकर मई तक जो सत्र का आयोजन होता है बच्चों, वो कौन सा सत्र होता है? आपका बजट सत्र है होता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो सत्र होता है बच्चों, वो होता है आपका मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र दीपावली के बाद जो है वो शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। जैसा लोकसभा में है बच्चों, वैसे ही सत्र का आयोजन आपका राज्यसभा में भी होता है। अब बात आती है भाषा की। भाषा की अगर हम बात करें बच्चों, तो भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन अगर कोई हिंदी या अंग्रेजी में उपयुक्त भाषण नहीं दे सकता तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी क्या दे सकता है बच्चों? भाषण दे सकता है या अपनी बात को रख सकता है। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में भी अपनी बात को रख सकता है। फिर आता है बच्चों पदाधिकारी। पदाधिकारी की बात करें बच्चों, तो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वो 2 है बच्चों। एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है बच्चों उपाध्यक्ष। अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, इसका उल्लेख हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 करता है। 93 जो है लोकसभा अध्यक्ष होने की बात करता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी, उसके बाद लोकसभा के सदस्य उसको 2/3 बहुमत से पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसे हम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। और भारत के प्रथम जो स्पीकर थे बच्चों, वो थे जी वी मावलकर साहब जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चों?
वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है, ओम बिरला। तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है बच्चों, वो कौन है? ओम बिरला साहब है। अध्यक्ष का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, और अगर उसको हटाना है तो 2/3 बहुमत के माध्यम से स्पीकर को हटाया भी जा सकता है। अब बात आती है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, हमेशा जो अध्यक्ष होता है बच्चों, लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का जो जिस दल का बहुमत होगा उस दल में से ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और उपाध्यक्ष ज़्यादातर विपक्ष पक्ष का होता है। ये हमारी परंपरा बन चुकी है। अब बात आती है बच्चों उधर राज्यसभा, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के पदाधिकारी की अगर हम बात करें बच्चों, तो राज्यसभा में जो पदाधिकारी होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में आपको देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति को बोला जाता है सभापति, सभापति बोला जाता है, और इस सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसको हटाना हो तो राज्यसभा के सदस्य स्वयं हटा सकते हैं, केवल लोकसभा की सहमति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा के सदस्य लोकसभा की सहमति लेकर के राज्यसभा के उपसभापति को हटा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही कार्य करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और वर्तमान में जो स्पीकर है वो ओम बिरला साहब हैं। और ये जो कर्ता क्या है, कर्ता क्या है बच्चों? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में जो निर्णय करता है वो भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। उसके बाद है, अगर मान लो लोकसभा में किसी भी विधेयक को लेकर मतदान हो रहा है और अगर समान मत आ जाते हैं तो समान मत होने पर टाई अपना निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो किसको है बच्चों? लोकसभा अध्यक्ष को। कल मैंने एक चीज बताई थी बच्चों आपको, महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में देखने को मिलता है। ये महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। देखो, स्पीकर मतदान नहीं करता है लेकिन अगर समान मत हो जाए तो उस समय अपना निर्णायक मत दे सकता है। उसके बाद होता है, लोकसभा के अंदर समितियों का निर्माण किया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा बच्चों, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सभी विभागों से संबंधित कई संसदीय समितियां ऐसी भी है जिनका अध्यक्ष जो है वो पदेन कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसका क्या बनाया जाता है? समितियों का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संसदीय समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फिर आता है सदन की बैठक को स्थगित। ध्यान रखना बच्चों, सदन की जो बैठक है उसको भंग करने का पावर किसका है? सत्रावसान, सत्रावसान करने का, सत्र को भंग करने का जो अधिकार है
वो है आपके राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को है। लेकिन अगर सदन की बैठक को स्थगित करना है तो इसका पावर बच्चों लोकसभा अध्यक्ष के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पूर्व, सत्रावसान करता है, सत्र को बुलाता है, अभिभाषण करता है, विशेष बैठक का आयोजन करता है, बट अगर सदन की बैठक को स्थगित करना है तो ये राइट लोकसभा अध्यक्ष के पास है। उसके बाद आता है दल बदल। दल बदल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे भारत में दल बदल की प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो हमारे भारतीय संविधान में बच्चों 52वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985। इस 52वें संविधान संशोधन में कहा गया कि कुछ निर्हत्ताएं और योग्यताएं निर्धारित कर दी गई कि कोई अकेला व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता है। अगर उस दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में जाना चाहे तो वो दल को परिवर्तित कर सकते हैं। तो दल बदल के प्रश्न पर अगर निर्णय करना है कि कौन सा दल में किसी व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसका जो निर्णय करता है बच्चों वो भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा याचिकाएं पेश करना है, लोकसभा में जो भी याचिकाएं आती हैं उनको अगर पेश करना है तो पेश करने की जो अनुमति देता है बच्चों वो भी कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। लोकसभा का अध्यक्ष बच्चों बोलने की अनुमति देता है। क्या देता है? बोलने की। लोकसभा में जब आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो तो किसको बोलना है इसकी अनुमति भी आपका लोकसभा का अध्यक्ष देता है। और भारत के जो प्रथम, इसके अलावा आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। लोकसभा महासचिव जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति करने का कार्य भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा लोकसभा का जो अध्यक्ष है बच्चों वो बैठक का संचालन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, समान मत होने पर टाई निर्णायक मत देता है, संसदीय समितियों का अध्यक्ष होता है, सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है और दल बदल के प्रश्न पर जो निर्णय देना होता है वो भी लोकसभा का अध्यक्ष देता है, याचिकाएं पेश करने की अनुमति देता है, बोलने की अनुमति देता है। इसके अलावा बच्चों आपने एक चीज और सुनी होगी बच्चों, संयुक्त बैठक का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में हमें देखने को मिलता है। किस बैठक का? संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ये बात कही है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर गतिरोध हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? गतिरोध हो जाए तो उन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा, वो होता है बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक को जो बुलाने का कार्य करता है वो करता है बच्चों राष्ट्रपति। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संयुक्त अधिवेशन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है उसमें ये साफ कहा गया है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। और ध्यान रखना बच्चों लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर का पद अगली लोकसभा के गठन तक बना रहता है। अगली लोकसभा का जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक लोकसभा का स्पीकर अपने पद पर
बना रहता है। इसके अलावा बच्चों आपने एक नाम और सुना होगा, प्रोटेन स्पीकर। प्रोटेन स्पीकर क्या होता है? ये प्रोटेन स्पीकर देखो, लोकसभा का जब गठन होता है तो गठन के बाद जब पहले सत्र का आयोजन होता है, उस पहले सत्र में अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 95 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए और मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 में देखने को मिलता है। ये जो सामयिक स्पीकर होता है, वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है, उस 17वीं लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था वीरेंद्र कुमार को। किसको बनाया था बच्चों? वीरेंद्र कुमार को। जबकि पहला प्रोटेम स्पीकर थे आपके जीबी मावलकर साहब, और अभी वर्तमान में है आपके 17वीं लोकसभा में जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, वो था आपका वीरेंद्र कुमार। तो ये आपने देखा ये कि संसद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष दल का नेता होता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्ष से बनाया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 93 में मिलता है। और राज्यसभा का एक पदाधिकारी होगा, जो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है उसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने के नाते क्या करता है? कार्य करता है, राज्यसभा की बैठकों का आयोजन करवाता है, राज्यसभा में बोलने का अधिकार देता है, मतदान करवाता है। ये सब कार्य उपराष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अब बात आती है बच्चों राज्यसभा की। किसकी बात आती है? राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में मैंने बता दिया, तो आपने तीन टॉपिक देखे, सत्र, भाषा और पदाधिकारी। जो सत्र का आयोजन होता है उसमें तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम संसद के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, संसद के सदस्यों की योग्यताओं, वेतन भत्तों की और बात कर लेते हैं बच्चों कि संसदीय जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य हैं बच्चों, उन सदस्यों को वेतन भी मिलता है, 60,000 रुपये इनको वेतन मिलता है प्रत्येक सांसद को। इसके अलावा उन्हें और भत्ते भी मिलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। तो आज हमने लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों जानेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इन दोनों सदनों को कौन कौन से पावर मिले हुए हैं, कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।